ओम शांति, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सो द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कल के वरदान की और आज के वरदान की। कल की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि आपको जैसे सुन रहा होगा मेरे गले में खराश है अभी भी। तो जितना हो सके प्रकृति जीत बन करके परमात्मा कहते हैं कि सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये गला भी 5 तत्व के शरीर का बना हुआ है, प्रकृति है। जितना हो सके हम 2 दिन की रिकॉर्डिंग करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप इसका आनंद ले पाए इन ब्लेसिंग्स का। तो देखिए, परमपिता परमात्मा ने कल के ब्लेसिंग्स में कहा क्या था। बाबा कहते हैं कि हम मास्टर रचयिता बनकर के जो भी हम ऑर्डर करना चाहें शक्ति को, चाहे वो सहन करने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, निर्णय करने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो कि इस समय क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, वो परखने की शक्ति हो, इसको ऑर्डर करें और ये आ जाए हमारे माइंड में और इनको हम यूज़ कर पाएं, तभी हम मास्टर क्रिएटर्स हैं, मास्टर रचयिता। और अगर हमने ऑर्डर किया और ये नहीं आई ये शक्तियाँ, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो देखिए वो कमी क्या हो सकती है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। विस्तार में चलते हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, अथॉरिटी देने वाले परमात्मा पिता हैं, तो कंडीशंस भी तो होंगी ना, देखते हैं आगे। तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता, हमें परमात्मा कहते हैं मास्टर रचयिता, परमपिता परमात्मा है सुप्रीम रचयिता और हम उनके बच्चे हो गए मास्टर रचयिता के सामने आती हैं, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। आपने सोचा मुझे यहाँ टॉयलेट करना चाहिए और वो हाजिर हो गए, मुझे यहाँ परखना चाहिए ये इंसान के साथ में काम करूँ ना करूँ, ये बात बोलूँ ना बोलूँ, और फटाफट आपके अंदर वो शक्ति आ गई। लेकिन उसके लिए आप कंडीशन अप्लाई आ जाती हैं। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की शिनिमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। कहने का अर्थ क्या है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले आपने एक वरदान सुना जिसमें कहा गया परमात्मा ने कि किसी की कमी कमजोरी के बारे में सोचना, उसके बारे में कमी कमजोरी के बारे में और को बताना, और फिर किसी की कमी कमजोरी के बारे में सुनना भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि हमारे अंदर किसी की कमी कमजोरी देखते हुए हमारे अंदर अभिमान बढ़ जाता है, हमें ये लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं। तो अभिमान बढ़ गया आपका, आपको अच्छा लगा कि आप, हाँ मैं तो उनसे बेटर हूँ। कल आकर के किसी व्यक्ति ने आपके इस अभिमान को ठेस पहुँचा दी और कह दिया आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपने ये ठीक नहीं बोला, आपने ये ठीक नहीं करा। तो कल की जो किसी की बदनामी करके हमारा जो अभिमान बढ़ गया था, या किसी की कमी कमजोरी सुन करके हमने ये सुन लिया हम तो बेहतर हैं, हम तो ये गलती नहीं करते हैं, हमसे तो कभी हुआ नहीं ऐसा, इन्होंने कैसे कर दिया, अभिमान बढ़ा और कल आकर किसी और व्यक्ति ने आपके बारे में आपकी कमी कमजोरी दिखा दी, तो क्या आपके पास में सहन करने की शक्ति होगी? सोचिएगा, क्या आपके पास में उस व्यक्ति के कही हुई बातों को सामना करने की शक्ति होगी कि आप टॉलरेट कर पाए, चुप हो जाए और अपने अंदर को परखें कि हाँ मेरे में गलती है, मुझे सुधारनी है ये। लेकिन वो जो कल का अभिमान था वो आपको करने नहीं देगा। आप हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ ऊंचा नीचा बोल दें, उस व्यक्ति को कह दें कि आप कौन होते मुझे बताने वाले, आप अपने आप को तो देखो, फिर अपमान पे भी अपमान कर दिया आपने। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो आपकी शक्तियां सहन करने की, परखने की जी हजूर नहीं करेंगी, आपको जी हाजिर नहीं करेंगी, क्योंकि आपने परमात्मा की बताई हुई बातों को जी हजूर नहीं किया इस कारण से। तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। तो क्या आप मास्टर रचयिता हैं, या आप मास्टर रचयिता बनना चाहते हैं कि आप जब कहें जैसे सोचें फटाफट वो शक्तियां वो गुण आपके पास में हाजिर हों और उनको कार्य में लगाएं, और जो सिचुएशन आई है, जो
जो व्यक्ति से जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसको आप सॉल्व कर पाए। वो करना कैसे है, इसके लिए आपको 7 दिन की शिक्षा ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के निःशुल्क लेनी पड़ेगी इस विद्या के बारे में राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, और फिर और आगे और समझते जाना पड़ेगा। इसके साथ ओम शांति।